माध्यमिक शिक्षा मंडल के रिजल्ट घोषित होने पर मैहर जिले के रौनक सिंह ने प्रदेश में नौवां स्थान भी हासिल किया। रौनक बस कंडक्टर के पुत्र हैं और उनकी इस उपलब्धि के लिए इस इलाके में खुशी का माहौल है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए। मैहर के बस कंडक्टर के बेटे रौनक सिंह बघेल ने प्रदेश में गणित संकाय से नौवां स्थान लाकर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। रौनक का रिजल्ट आने के बाद घर में माता पिता ने मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। रौनक मैहर जिले के रामपुर मुड़वाड़ के रहने वाले हैं, जो 10 किलोमीटर दूर चलकर अमरपाटन स्थित सीएम राइज विद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे। रौनक के पिता राघवेंद्र सिंह पेशे से बस कंडक्टर हैं, जो कम आमदनी होने के बाद भी बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देते। रौनक घर में रहकर 16-16 घंटे पढ़ाई करता था। आज उसी के मेहनत का नतीजा है, जिससे न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले से ही मतलब स्टार्ट से ही अच्छी तैयारी की थी। मुझे उम्मीद भी थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कि आया भी है आके। बल्कि मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर उतना आया नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार वाले भी और टीचर्स, पूरा विद्यालय परिवार बहुत ज़्यादा खुश है और सब लोग काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं इस मौके पर। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और अपने सभी गुरुजनों को देना चाहूँगा। मैं बहुत खुश हूँ। बस थोड़ा ये है कि 2-4 नंबर तो कम आए, ये पहले से वो बोलता था कि डैडी मेरा जो है तो तीसरा या चौथा रैंक आएगा एमपी में, आप परेशान मत होइए। मेरे को भी भरोसा था क्योंकि वो 18 घंटे पढ़ता था, स्कूल और घर मिला के 18 घंटे पढ़ता था, इसलिए मेरे को भी भरोसा था कि उसका परसेंटेज तो आएगा। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुशी है। पढ़ाई उसकी अच्छी थी, पढ़ाई में हम लोग उम्मीद रखे थे कि मतलब इतना आएगा उसका पढ़ाई। मुझे उसे कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि पढ़ो उठ के तुम, वो खुद पढ़ता था, यही कहना पड़ता था कि रख दो अब सो जाओ। सुबह नौ बजे से पढ़ता था तो शाम को बस खाना खाने उठता था। बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत पढ़ता था वो, पूरा दिन पढ़ता था। जिस तरह से वो पढ़ता था उसके हिसाब से उसके बहुत नंबर आए हैं। सब बहुत खुश थे, मम्मी पापा सब बहुत खुशी मनाए। हम लोग आज बहुत खुश हैं और अभी हम लोग आपके सामने ही सभी लोगों का मुँह मीठे किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेरे विद्यालय के साथ साथ प्रदेश का गौरव बना है, इसलिए और भी खुशी होती है क्योंकि मेरा एक छात्र डिस्ट्रिक्ट मेरिट में भी आया है। छात्र को, विद्यालय परिवार को, प्राचार्य सर को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, बच्चा बहुत ही होनहार था और हम सब उसके साथ, हमारा पूरा विद्यालय परिवार लगा हुआ था, सारे शिक्षक मनोयोग से उसको पढ़ा रहे थे और हमें उम्मीद थी कि उसको स्टेट मेरिट में आना चाहिए और ये हमारी उम्मीद पे वो खरा उतरा बच्चा और वो स्टेट मेरिट पे स्थान, नौवां स्थान लेकर आया हुआ है। आज पूरा विद्यालय परिवार बहुत ही आह्लादित है। हम लोगों ने मिठाई आपस में एक दूसरे को खिलाकर बहुत खुशी का इजहार किया है। बच्चे से भी फ़ोन में बात हुई, वो अपने गाँव में है, अभी कुछ ही पलों बाद वो यहाँ पहुँचेगा। बच्चे को भी हम लोगों ने बधाई दी है, उसके माता पिता को भी बधाई दी है। हम लोग बहुत गदगद हैं, बहुत गदगद हैं। बच्चे को बार बार बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।